सो हेलो, मेरा इंटरव्यू अभी 2 दिन पहले हुआ है. दैट इज़ इट वॉज ऑन 30 जनवरी 2023 इन देहरादून. ओके, उनका इंस्टीट्यूट है वहाँ पे, KDMIPE. इसका फुल फॉर्म देख लेना, शायद समथिंग कालविया कुछ करके था, देख लेना है ना, गूगल पे सब अवेलेबल है. तो ठीक है, वहाँ पे क्या होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको आपकी गार्जियंस अलाउड नहीं है अंदर बाहर की तरह. तो जो मेन गेट है वहीं पे, उसके बाद ही आपके गार्जियंस वहाँ से अलाउड नहीं होंगे, आपको खुद ही अकेले जाना पड़ेगा. तो उस अकॉर्डिंग ही जाना, ठीक है. वहाँ पे हम लोग पहुँच गए थे, 8:30 हमारा रिपोर्टिंग टाइम था, तो मैं उस टाइम तक पहुँच गई थी. वहाँ पे अराउंड 45 मिनट तक कैंडिडेट्स आ रहे थे. और ठीक है, एक ग्राउंड फ्लोर पर हर जगह हॉल टिकट दिखाना होता है, ग्राउंड फ्लोर पर ही एक हॉल टाइप था, वहाँ पर सब लोग बैठे हैं. और फिर एक आए, उन्होंने एक बहुत अच्छी प्रेजेंटेशन दी ONGC के बारे में. तो हाँ, एक और चीज़, जैसे कि अपन बहुत सारे इंटरव्यूज देखते हैं, वहाँ पे बोलते हैं कि ना ONGC सारा अच्छे से पढ़ के जाना, हल्का फुल्का पढ़ के जाओगे, वहाँ पे वो इतनी अच्छी प्रेजेंटेशन देते हैं कि उसमें वो हर एक चीज़ आते हैं कि एसेट और बेसिन में क्या डिफरेंस है, क्या उसका वर्क प्रोफाइल है, और हर एक चीज़ कितना प्रॉफिट मेकिंग है वो कंपनी, या फिर क्या विजन है, क्या डिफरेंस है इसमें, हर एक चीज़ बहुत डेप्थ में बहुत अच्छी प्रेजेंटेशन होती है. अराउंड 20-25 मिनट्स की वो वीडियो रहती है, हिंदी इंग्लिश मिक्स होता है. ओके, तो वो होने के बाद बीच बीच में एक सर आते रहते हैं, वो अलग अलग डिपार्टमेंट के हम लोग सब साथ में बैठे थे, मैकेनिकल के हो गए, इलेक्ट्रिकल के हो गए, केमिस्ट्री जैसे मेरा है, तो ठीक है, वहाँ पे अलग अलग बैठे थे. तो वो 4-5 जनों को कॉल आउट करते नेम्स, वो जाते हैं, अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है उनका फर्स्ट फ्लोर पर जाके, और उसी सीक्वेंस में इंटरव्यू चलता है. ठीक है, तो प्रेजेंटेशन वगैरह हुई, आए थे केमिस्ट्री के, ऐसे नेम्स वगैरह लिए. तो ठीक है, फर्स्ट फ्लोर पर जाना होता है उनके साथ में, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वहाँ पे चलता है, बहुत जल्दी ही प्रोसेस होता है, मतलब वो इतना टाइम लगाते ही नहीं है. उनको कोई मतलब नहीं है कि आप अपने एक्स्ट्रा सर्टिफिकेट्स वगैरह लेके जाओ कि डांस के हो गए या ऐसा कुछ भी है, वो ऐसा कुछ नहीं देखते, वो सिर्फ वही देखते हैं जो उनके वहाँ पर लिखा हुआ है. और समझिए, उनका अपना जो होता है ना हॉल टिकट के नीचे की तरफ लिखा हुआ होता है आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट लाने हैं, उनके पास उससे मतलब होता है. ओके, तो वो हमने दिखाए, ओरिजिनल दिखाना होता है वहाँ पर. फिर उसके बाद एक, फिर जैसे अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पास होता है, वो बोलते हैं आप सेकंड फ्लोर पे चले जाओ, वहाँ पे एक संगीता मैम है, वो आपको आगे गाइड कर देंगे. तो ऊपर गए, वहाँ पे सिग्नेचर वगैरह होता है, फिर वहाँ पे एक रूम होता है, वहाँ पे आप बैठते हैं, फिर मैम आपको बुलाती है आपके इंटरव्यू के लिए. ठीक है, तो ठीक है, फिर इंटरव्यू के लिए गए, वहाँ पे आप अपने साथ कोई फाइल नहीं लेके जाते हो, आप ऐसे जाते हो और उनके पास जो आपके CV जो होता है, जो आप अपलोड करते हो, वो बोलते हैं अपने डॉक्यूमेंट्स वहाँ पे कर दो, तो वहाँ पे सबके पास वो CV ओपन होता है, तो आप कुछ भी लेके जाने की ज़रूरत नहीं है, आप बस ऐसे जाओ, है ना. तो ठीक है, मैं इंटरव्यू के लिए गई थी, तो अब मैं मेरा इंटरव्यू को बता दी, मुझसे क्या क्या पूछा जिसके लिए आप वेट कर रहे थे. सो ओके, तो मैं इंटरव्यू के लिए गई, वहाँ पे अराउंड 7 जने थे, एक लेडी थी बैठी थी मेरे राइट साइड से. ओके, तो मैम ने कहा कि हेलो, आप बैठ जाइए. ओके, ये सब इंग्लिश में चल रहा था, मैं ऐसे ही बता रही हूँ, है ना. तो आई सेड ओके, थैंक यू मैम. ओके, मैं बैठ गई. फिर उसके बाद जो मिडिल में जो थे सर, उन्होंने मुझसे बोला इंट्रोड्यूस योर सेल्फ. तो मैंने बताया ब्रीफ इंट्रोडक्शन, दैट इज़ हेलो, माय नेम इज़ भावना राठौर, आई केम फ्रॉम अजमेर राजस्थान, आई एम 22 ईयर्स ओल्ड, आई एम गेट एंड JRF क्वालिफाइड. मतलब मेरा जो इंट्रोडक्शन का पार्ट था, मैंने इस अकॉर्डिंग रखा था कि मैं हाईलाइट करूँ मेरा एज फैक्टर एंड नो गैप बिटवीन माई स्टडीज़. तो मेरा ये स्ट्रेंथ पार्ट है, तो मैंने वो मेरे इंट्रोडक्शन में ही वो शो किया था. ओके, तो ये बताया. फिर लास्ट इन जून आई हैव कम्प्लीटेड माई पोस्ट ग्रेजुएशन फ्रॉम सेंट्रल यूनिवर्सिटी राजस्थान, एंड आई हैव डन माई प्रोजेक्ट इन द फील्ड ऑफ नैनो टेक्नोलॉजी. बट मुझे लगा था कि वो यहाँ पे मुझे रोक देंगे कि हाँ चलो ठीक है, इतना बहुत है, वो इसके आगे मुझसे फर्दर पूछेंगे, बट ऐसा नहीं हुआ, वो कीप ऑन लिसनिंग. सो आई वॉज लाइक ओके. तो मैंने कहा आई लिव इन अ 5 मेंबर्ड फैमिली, और आई एम अ कुकिंग लर्नर, फ्रेंडली नेचर, और थोड़ा बहुत ऐसे बताया. मैंने मेरी हॉबी के बारे में नहीं बताया, मैंने वहाँ लिखा था कि बैडमिंटन लिखा था मैंने, और आई लाइक टू लिसन एथिकल एंड मोटिवेशनल स्पीकर्स एंड समथिंग ऐसे लिखा था, बट मैंने वो सब मेंशन नहीं किया, नर्वस भी थी. तो मैंने ये सब करके मैंने दैट्स ऑल अबाउट दिस सर करके ओके कर दिया. बोले कि ओके, तो लेफ्ट में जो सर थे उन्होंने बोला तो यू हैव मेड अ पैलेडियम क्रिटोजिनस कैटलिस्ट. सो आई वॉज लाइक यस सर, इन माई प्रोजेक्ट आई हैव मेड अ पैलेडियम क्रिटोजिनस कैटलिस्ट, और मैंने सुपर हाइड्रोफोबिसिटी में वर्क किया था, तो मैंने वो मेंशन किया था. तो उन्होंने मुझे बोला कि व्हाट इज़ द वर्किंग ऑफ कैटलिस्ट. तो यहाँ से मेरा
प्रॉपर इंटरव्यू स्टार्ट हुआ, तो वो बोले व्हाट इज द वर्किंग ऑफ कैटलिस्ट। तो मैंने उनको थोड़ा सा ब्रीफ किया कि सर कैटलिस्ट दो तरीके से होते हैं, होमोजेनियस एंड हेटरोजेनियस। ये पहले मैं इंग्लिश में बोल रही थी, इट्स अ टू टाइप होमोजेनियस। होमोजेनियस में आप वन फेज में होता है, हेटरोजेनियस में से फिर क्योंकि आपने पूछा था कैसे वर्क करता है, तो मैंने बोला सर दो तरीके से होता है, लॉक इन की मैकेनिज्म हो सकता है और एड्सॉर्प्शन मैकेनिज्म हो सकता है। मैंने इसको कोऑर्डिनेट किया मेरे प्रोजेक्ट से, मैंने कहा सर जो मेरा कैटलिस्ट था वो हेटरोजीनियस था और वो ग्लास स्लाइड के ऊपर था, तो वहाँ पे एड्सॉर्प्शन वाला चीज़ चल रहा था। मेनली कैटलिस्ट का काम ही होता है कि दो जो रिएक्टेंट्स हैं उनको पास ले जाके रिएक्शन करके खुद अपने साइड में हो जाए। इतना करके मैं सोचती थी थोड़ा और अच्छे से बोलूँ, तो फिर मैं अपने आप ही हिंदी में अपना बोलना स्टार्ट कर दी, उनको ऐसा कुछ दिक्कत नहीं होती है। तो फिर मैंने इसे बताया थोड़ा और, तो उन्होंने कहा कि इज देयर एनीथिंग रिलेटेड टू एक्टिवेशन एनर्जी, मतलब यस सर ऑफ कोर्स एक्टिवेशन एनर्जी कैटलिस्ट के प्रेजेंस में लो हो जाती है, और पर इसका ये मतलब नहीं है कि कोई रिएक्शन जो नहीं होनी है उसको वो कर सकता है, ऐसा नहीं है। तो करके बोला कि दे वर सेटिस्फाइड विद दैट। तो उन्होंने बोला कि ओके तो आपने पैरेडियम के ऊपर वर्क किया है, तो अच्छा एक बात तो ये आपको ऐसा कुछ पता है कि रिफाइनरीज में कौन से मेटल्स, मतलब कोई मेटल जो रिफाइनरीज में काम आता हो। तो मैंने थोड़ा सोचा, मैंने कहा कि नहीं सर मुझे ये नहीं पता है कि कौन सा मेटल काम आता है, बट आई नो लिटिल अबाउट रिफाइनरीज। ओके ओके, तो उन्होंने बोला कि अच्छा ठीक है। फिर दूसरे सर उन्होंने बोला कि सो फिजिकल केमिस्ट्री सर, यस। तो उन्होंने बोला अच्छा ठीक है, तो इमल्शन क्या होता है? तो मैंने बताया कि सर जैसे टू इमिसिबल लिक्विड्स होते हैं जैसे ऑयल एंड वाटर, तो वो अपन कितना भी मिक्स कर लें वो प्रॉपरली मिक्स नहीं हो पाते, तो कुछ इमल्सिफाइंग एजेंट अपन को या तो डालने पड़ते हैं टू स्टेबलाइज द इमल्शन, या फिर कुछ नेचुरली उसमें होते हैं जैसे मिल्क के अंदर अपने होता है, ठीक है, कुछ बैक्टीरियाज हो गए कुछ भी, मैंने इतना डेप्थ में नहीं बोला था बट अभी बता रही हूँ। तो ठीक है उससे वो सेटल होता है। ओके ओके, तो डिमल्सिफाइंग एजेंट क्या करता है, मतलब व्हाट इज द वर्किंग ऑफ डिमल्सिफाइंग एजेंट? तो मैंने बताया वर्किंग के साथ कि सर एक रेजिन होता है या फिर आप पोलर कोई सा भी ऐसा कंपाउंड जिसमें हाइड्रोफोबिक एंड हाइड्रोफिलिक दोनों पार्ट हो, लाइक डिटर्जेंट सोप्स, तो वो क्या करते हैं कॉकुलेशन वाला चीज़ करते हैं, वो कॉकुलेट करते हैं मॉलिक्यूल्स को, मे बी दैट इज इफ़ वी हैव ऑयल इन वाटर तो वो ऑयल की ड्रॉपलेट्स को कॉकुलेट करते हैं, उनको सेपरेट करके फिर ऐसे कर देते हैं। तो मैंने थोड़ा सा बताया कि ये उससे रिपेल करता है ये ऐसे करके, देन कॉकुलेशन होता है। तो वो बोले कि डिमल्सिफाइंग प्रोसेस, तो ठीक है मैंने यही इसी को हल्का सा इन जनरल एक डेफिनेशन के होता है कि टू सेपरेट द लेयर्स ऑफ इमिसिबल लिक्विड्स इन अ इमल्शन, दैट इज द डिमल्सिफिकेशन प्रोसेस। सो वो बोले कि अच्छा ठीक है, तो वर्किंग बता दो थोड़ा सा कि जो डिमल्सिफाइंग एजेंट रहता है, नहीं पहले बड़े एग्जाम्पल से मैंने एग्जाम्पल बता देते थे। फिर उन्होंने बोला फिर ये वाली चीज़ हुई थी, फिर उन्होंने सेकंड ने बोला कि ऑर्गेनोमेटलिक्स के रिलेटेड उन्होंने कोई डेप्थ का क्वेश्चन पूछा था, मुझे कुछ ठीक से याद नहीं है कि ऑर्गेनोमेटलिक्स मेंशन किया था वर्ड, और कुछ बहुत ऐसा पूछा था कि समथिंग कुछ प्रोसेस और इन सब में। तो मैंने कहा सर मुझे इतना प्रोसेस का तो नहीं पता जो आप पूछ रहे हो, बट आई नो ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड्स एंड देयर एप्लीकेशन इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री लाइक रिएक्शन ग्रीनरी एजेंट और बोले कि ओके। उन्होंने मुझसे पूछा नहीं, मैंने कि अगर पूछूंगी तो मैं बता दूंगी, ठीक है। मैंने उनको बहुत चांसेस दिए कि हाँ मुझसे ये वाला पूछ लो, बट उन्होंने बहुत ऊपर का ही पूछा। फिर उन्होंने बोला था हाउ यू कैन कॉन्ट्रीब्यूट, हाउ यू कैन इन्हेंस योर वर्क एरिया विद योर नॉलेज, उन्होंने मुझसे पूछा था। और मैंने क्या वहाँ पर मैंशन भी किया था एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी में कि मैं मेरा यूट्यूब चैनल चलाती हूँ मोटिवेशन और केमिस्ट्री टिप्स के रिगार्डिंग। तो उन्होंने बोला कि तुम मोटिवेट करती हो और ऐसे ऐसे, तो तुम ये बताओ कि तुम कैसे इन्हेंस कर सकती हो। तो मैंने उनको बताया कि सर ऐसा कि अपना ग्रीनर वे में काफ़ी चल रहा है कि अपन हाइड्रोजन प्रोडक्शन भी कर रहे हैं और अपन विंड एनर्जी सब ग्रीनर वे में जो कर रहे हैं, तो यहाँ के बहुत सारे सर मेरे खुद के भी आइडियाज़ हैं मेरे पास, ऑल दो मेरे पास प्रूफ्स नहीं है, मैं उस पर सर्च करूँगी, मुझे टाइम लगेगा, बट क्योंकि मेरा स्ट्रेंथ भी है कि आई एम वेरी स्पीडी इन रीडिंग रिसर्च पेपर्स एंड मेकिंग प्रेजेंटेशंस एंड रेस्ट, सो मैं ये चीज़ अच्छे से कर सकती हूँ। और जैसे मेरा उस टाइम पे मैंने ये बोल दिया था कि मेरा जो पर्सनल आइडिया है, जैसे अपन व्हीकल चलाते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड को उस व्हीकल में ही कैसे वापस से फ्यूल में कन्वर्ट किया जाए, तो मैंने कहा सर मेरा खुद का नॉलेज इतना डेप्थ नहीं हो पाएगा कि मैं ये चीज़ कर पाऊँ, बट हाँ मुझे मैकेनिकल और समथिंग कुछ थोड़ा और भी करना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा जिससे मैं ऐसी कोई चीज़ बना पाऊँ। तो ऐसा कुछ अपन इनोवेटिव कर सकते हैं। तो बोले कि नहीं, मतलब
अभी तक तो बहुत थोड़ा सा ही हमने ग्रीन रिन्यूएबल एनर्जी में गए, हमारा जो कोर बिजनेस है उसमें आप क्या कर सकते हो। तो मैंने कहा सर जैसा कि मैंने पढ़ा है कि केमिस्ट का जो रोल होता है, तो मैं हाँ उसमें जो ड्रिलिंग फ्लूइड का जो है मैं उसमें इन्हेंस कर सकती हूँ, लाइक मेकिंग इट कॉस्ट इफेक्टिव और ईजी टू सेपरेट लाइक दीज इमल्शंस दैट वी एक्चुअली वर्क विद। और मैंने क्या कहा था, ऐसा कुछ मैंने कहा था, तो उन्होंने बोला कि केमिस्ट का आप रोल बता दीजिए, फिर तो मैंने उसका बताया ठीक है। फिर उसके बाद एक मैम थी, हाँ तो मैम ने मुझसे क्या पूछा था, हाँ एक और चीज़ पूछी थी, सर्विस टेंशन। हाँ उन्होंने कहा था कि अच्छा ठीक है आप ये बताओ कि सर्विस टेंशन क्या होता है अपार्ट फ्रॉम द एक्चुअल डेफिनेशन मीनिंग, कि मतलब आप उससे क्या समझते हो या फिर क्या उसका यूज़ हो गया। तो मैंने थोड़ा सोचा क्योंकि मुझे इतना अच्छे से मुझे हाँ डेफिनेशन आ रही थी, ये भी पता है कि हाँ कैसे वर्क करता, बट जो वो पूछ रहे थे ना कि उसका कैलकुलेशन, तो मैं उनको ऐसा नहीं करना चाहती थी कि मुझे बहुत डेफिनेट नॉलेज नहीं है। तो मैंने उनको यही बोला कि सर इतना डेप का मुझे नहीं पता है ना, तो बोले ऐसे थे कि यूनिट ऑफ सर्विस टेंशन। तो मैंने उसमें डायरेक्ट यूनिट ना बोल के मैंने ये बोला सर एज इट इज़ फोर्स पर यूनिट एरिया देन इट शुड बी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ओके ठीक है। फिर उन्होंने क्या पूछा था, उन्होंने बस ये बोला था कि यहाँ पे बहुत सारी कंपनीज हैं जो एक्चुअली ग्रीनर वे में काम करती हैं सिर्फ उसमें, तो आपको लगता है आपको उधर जाना चाहिए, मतलब कि उनके साथ काम करना चाहिए क्योंकि वो एक्चुअली इस फील्ड में है। तो मुझे ठीक से याद नहीं मैंने इसका क्या आंसर दिया था, बट मैंने समवेयर ऐसे बोला था कि सर जैसा कि जो पेट्रोलियम है, तो पेट्रोलियम कंपनीज एक तरीके से किसी भी स्टेट का जो डेवलपमेंट है उस पर कोऑर्डिनेट करती है। तो मैंने ऐसा कुछ करके आंसर दिया था, मुझे ठीक से बिल्कुल याद नहीं है, क्योंकि पता क्या होता है बहुत अपन प्रयास चाहता है कि हम इसका आंसर दे दो, हम ये भी हर आंसर अपन अटके जाते हैं कि ONGC में क्यों करना चाहते होगा, क्या कर सकते हो, लेकिन वहाँ पे जब वो पूछते हैं इतना जल्दी जल्दी पूछता है कि आप नहीं लगा पाते वो माइंड की इसका ये आंसर देना चाहिए वो, क्योंकि उनके पास भी टाइम, अगर आप बहुत टाइम दे रहे हो सोचने में फिर आप कुछ आंसर दे रहे हो उनको भी सेटिस्फाई नहीं लग रहा है, तो उनको यही लगेगा कि इसको टाइम की वैल्यू नहीं, क्योंकि वो भी बहुत अराउंड 10 to 15 मिनट्स में वो हर इंटरव्यू खत्म कर रहे थे, और ना सिर्फ वो जो पैनल मेंबर्स हैं वहाँ का हर प्रोसेस बहुत जल्दी था। तो जब वो हमारे टाइम का एक इम्पॉर्टेंस दे रहे हैं तो हमको उनका भी देना पड़ेगा। तो मुझे लगता है ओवरऑल मतलब इस टाइप का मेरा इंटरव्यू था, और अभी तक रिजल्ट तो ऑब्वियसली भी नहीं आएगा, दो दिन ही हुए हैं, तो इससे कुछ आपको गाइडेंस मिलती है तो ठीक है, क्योंकि अभी इंटरव्यूज चल ही रहे हैं तो मे बी शायद आपको हेल्पफुल लगे। तो थैंक यू सो मच, और कुछ भी क्वेरीज हो तो आप प्लीज़ कॉमेंट कर देना, और कुछ और होगा तो आई विल अपडेट यू, एंड रिजल्ट तो ऑब्वियसली मैं बताऊँगी ठीक है। Thank you.